बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडविन रिच की पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स पढ़ेंगे जी। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं। इस नज़म में एडविन रिच कहती हैं, जो आंटी जेनिफर को उसके हाकमाना अंदाज वाले खावंद ने मगलूब करके रखा हुआ है, यानी डोमिनेट करता है, वो एक मुनकसराना मिजाज वाली औरत है, बड़ी आजजी वाली औरत है, उसे ना तो किसी किस्म की आज़ादी और ना कोई हुकूक हासिल है और ना ही किसी मामले में उसे कुछ बोलने का अख्तियार है। लेकिन अंदर से वो एक आरजूमंद एम्बिशियस कह लीजिए खातून है और चाहती है कि वो भी उसी तरह पूरी आज़ादी और वक़ार से ज़िंदगी का मज़ा उठाए, लुत्फ़ उठाए, जिस तरह के शेर अपने कुदरती माहौल में घूमते फिरती हैं। इसलिए अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो दीवार पर लटकाने वाले एक सजावटी कपड़े यानी वॉल हैंगिंग के लिए उस पर एक यानी सजावटी कपड़े पर कशीदाकारी करके धारीदार शेर बनाती है, जो सरसब्ज जंगल में आज़ादी से घूमते फिरते हैं और हल्के फुल्के अंदाज में भागते हुए दिखाई देते हैं। वो शेर किसी से भी खौफज़दा नज़र नहीं आते और कदीम ज़माने के बहादुर नाइट्स यानी सूरमाओं की तरह पुरवकार अंदाज में चलते फिरते महसूस होते हैं। ये ख्याल किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है या कियास किया जा सकता है कि आंटी जेनिफर कशीदाकारी का ये काम अपने दीगर घरेलू काम निपटाने के बाद करती है। इसलिए वो ये काम करते करते इतनी थक चुकी है कि अब उसे कपड़े के आर पर सुई भी नहीं खींची जा रही। उसकी शादीशुदा ज़िंदगी ने उसे बुज़दिल बना दिया है और अपने खावंद की मौजूदगी में उसकी हैसियत किसी गुलाम से ज़्यादा नहीं है। इसलिए उसे यह तस्वीर मुकम्मल करने में मुश्किलात का सामना है। उसके हाथ थक चुके हैं और वो घर में खावंद की मौजूदगी से खौफजदा है। आंटी जेनिफर अपने खावंद के तहकुमाना रवैये से इतनी मगलूब हो चुकी है कि उसे ख़दशा है कि उसकी यानी आंटी जेनिफर की मौत के बाद भी वो अपने खावंद से खौफजदा रहेगी। उसमें इतनी जुरत नहीं है कि वो अपने खावंद से आज़ादी का मुतालबा कर सके, इसलिए वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील बेखौफ अंदाज में भागते हुए भागते फिरते शेरों की कशीदाकारी करके करती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की मुफीद वीडियोस मिलती रहें। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रिंस प्रांस अक्रॉस स्क्रीन ब्राइट टू पॉज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री द पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। प्रांस का मतलब होता है जी उछलना, कूदना, भागना। टोपाज वो पुखराज जो पत्थर है यानी जर्द याकूत। डेनिजन का मतलब है बाशिंदे, रिहायशी, सुकूनती। पेस का मतलब वाक, चलना। स्लीक का मतलब साफ, हमवार। शिवलरिक का मतलब बहादराना। सर्टेनिटी का मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ एश्योरेंस, तयक्कुन। इन दीज लाइन्स एडविन रिच सेज द टाइगर्स विच आंट जेनिफर हैज़ जस्ट एम्ब्रॉयडर्ड ऑन अ वॉल हैंगिंग आर सर्टेन मूविंग पोस्चर्स इन नेचुरल सराउंडिंग्स। Being the residents of the green forest, the tigers are
frolicking around leisurely, and their orange skins with black stripes are shining brightly like precious stones, means topaz. Some men have also been shown sitting under a tree, but the tigers don't fear their presence and keep on sporting around friskily in all the manners, in the manners of real gallants. एडन रिच में कहना चाहती है, जो धारीदार शेर आंटी जेनिफर ने दीवार पर लटकाने वाले सजावटी कपड़े पर कशीदाकारी से बनाए हैं, वो अपने कुदरती माहौल में भागते हुए भागते दौड़ते दिखाई देती हैं। सरसब्ज जंगल के मकीन होने की वजह से वो फुर्सत के अंदाज में खुश तबी से खेल रहे हैं, और उनकी नारंगी जिल्द पर काली धारियां ऐसी चमक रही हैं जैसे बेशकीमत कीमती पत्थर पुखराज चमक रहे हों, यानी याकूत चमक रहे हों। इस तस्वीर में कुछ आदमियों को भी एक दरख्त के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है, लेकिन शेर उनकी मौजूदगी से खौफजदा नहीं है और चुलबुले अंदाज में बहादुर की तरह एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते फिरते हैं। और जेनिफर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Fluttering का मतलब move quickly, तेजी से चलना। Every हाथी दांत को कहते हैं। Uncle's Simra symbolically a typical dominating husband, गलबा पाने वाला शोहर। वेडिंग बैंड का मतलब कढ़ाई, जो कलाई है उस पर बांधा हुआ शादी का जोड़ा, चूड़ा यानी वो ब्रेसलेट। इन दीज लाइन्स एडन रिच इज ट्राइंग टू से बीइंग फटीग्ड ऑफ डोमेस्टिक कोर्स नाउ इट इज वेरी हार्ड फॉर आंट जेनिफर इवन टू पुल अ वेरी लाइट थिंग लाइक आइवरी every needle out of the wood woolly cloth of the wall hanging. Her husband, that has been called uncle in this poem, treats Jennifer as a property. The realization of the authoritative attitude of her husband is so torturing that the wedding band around her arm given by her husband at the time of marriage is now feeling her like a heavy burden weight, and she is almost unable to finish her embroidery and tapestry. She has to do the artistic work in her little leisure time that she rarely has. Even then, she remains afraid that her husband might not watch her. अब कहना चाहती है एडन रिच, चूँकि आंटी जेनिफर अपने दीगर घरेलू काम काज करने के बाद बहुत थक चुकी है, इसलिए अब कशीदाकारी करते वक्त उसे हाथी दांत की बनी हुई सुई उस ऊनी कपड़े में खींचना मुश्किल लग रहा है। उसका खावन, जिसे इस नज़म में अंकल कहा गया है, अपनी बीवी को ज़ाती मलकियत का कोई मालो असबाब समझता है। उसे अपने खावन का तहक्कुमाना रवैया इतना अजियतनाक लगता है कि उसकी कलाई पर बंधा हुआ शादी का चूड़ा, जो उसके खावन ने शादी के वक्त उसे दिया था,
अब उसे बहुत ज़्यादा वज़नी महसूस होने लगता है और अब वो इस काबिल भी नहीं रही कि इस टेपेस्ट्री को मुकम्मल कर सके। उसे कशीदाकारी का ये काम इस मुख्तसर से वक्त में करना पड़ता है जो उसे कभी कभार हासिल होता है। हत्ता कि वो इस बात से भी खौफज़दा रहती है कि उसका खावंद कहीं उसे ऐसा करता देख ना ले, यानी इतनी अपने खावंद से डरती है। When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Terrified का मतलब frightened, खौफजदा। Ringed का मतलब रिंकल्ड, झुरियाँ पड़ जाना। Ordeals का मतलब होता है आजमाइश, कड़ा इम्तिहान, कठिन घड़ी, मुश्किल वक्त। Mastered का मतलब एक्सपर्ट, माहिर। पैनल का मतलब है दीवार का वो पर्दा जो तस्वीरों से मुनकश हो, यानी वो जिस पे उसने वो कशीदाकारी की है। प्रांसिंग का मतलब है उछलना कूदना। अनअफ्रेड का मतलब है जी फियरलेस, बेखौफ। इन दीज लाइन्स एडन रिच इज सेइंग, आंट जेनिफर इज सो मच डोमिनेटेड बाई हर हजबेंड्स अथॉरिटेटिव एटीट्यूड दैट हर हैंड्स दैट रिमेन टेरिफाइड थ्रू आउट हर लाइफ विल रिमेन टेरिफाइड इवन आफ्टर हर डेथ। हर हैंड्स afflicted by the everyday hard work will remain affected in the grave. It means even after her death the fate of a married woman does not change. On the other hand, the tigers she embroidered on the wall hanging will keep on gambling proudly without fearing anybody or anything. Her artwork will live on after her as a reminder of her unfulfilled dreams. एडवी रिच कहना चाहती है कि आंटी जेनिफर अपने खावंद के हाकमाना रवैये से इतनी मगलूब हो चुकी है कि उसे खदशा है कि वो ना सिर्फ पूरी ज़िंदगी बल्कि अपने मरने के बाद भी उससे खौफजदा रहेगी। उसके हाथ जो रोज़मर्रा के घरेलू काम करके शदीद मुतासिर हो गए हैं, उसके मरने के बाद कब्र में भी इसी तरह रहेंगे। इसका मतलब है कि मौत के बाद भी शादीशुदा औरत की किस्मत नहीं बदलती। दूसरी तरह उसने कपड़े पर जो शेर कशीदा किए हैं वो बग़ैर किसी खौफजदा हुए उसी अंदाज में उछल कूद करते नजर आएंगे। उसके फ़न का नमूना उसकी ज़िंदगी में पूरे ना होने वाले ख्वाबों की याददाश्त के तौर पर उसकी मौत के बाद भी मौजूद रहेगा। उम्मीद है जी आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और मुफीद वीडियोस मिलती रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अल्लाह पाक आपको इम्तिहान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए। अल्लाह हाफिज़।